जो देश कृषि प्रधान देश हो, जहाँ के किसान अन्नदाता हो, लेकिन वही किसान प्रदर्शन करने पर मजबूर हो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। मामला मधुबनी जिले के कलवाही प्रखंड के राठ गांव का है, जहां विभाग द्वारा नहर में पानी नहीं छोड़ने को लेकर किसानों ने विभागीय अधिकारी के खिलाफ रोषपूर्ण प्रदर्शन कर नारेबाजी की है। वहीं नहर में पानी रोकने को लेकर शनिवार की सुबह से ही किसानों को बांस, बल्ला और चदरा लगाकर फाटक बनाते देखा गया। जानकारी हो कि इस बार बरसात औसत से कम होने से खेतों तक पानी ना के बराबर है। ज्यादातर किसान मौसम पर ही निर्भर हैं। सिंचाई की व्यवस्था होने के बावजूद खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा है, या यूं कहिए कि विभाग की उदासीनता रही है, जिसके कारण किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए हुए हैं। वहीं केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई भले ही कई वर्ष पूर्व लागू हो गई हो और इसका मूल उद्देश्य खेतों में किसी तरह सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने का रहा हो, लेकिन कई वर्ष का समय बीत जाने के बाद भी खेतों तक पानी नहीं पहुंच सका। आलम यह है कि पानी के अभाव में खेतों की मिट्टी फट गई और धान की फसलें सूखने के कगार पर आ गई। मौके पर उपस्थित स्थानीय उप प्रमुख चंदन प्रकाश यादव ने कहा कि प्रखंड के सभी 11 पंचायतों में इस योजना के तहत सिंचाई की व्यवस्था नगण्य है, इस कारण किसान की हालत चिंताजनक है। विरोध प्रदर्शन के बावजूद जिला प्रशासन के द्वारा सिंचाई को लेकर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण कई हजार किसान प्रभावित हैं। ऐसे में रोजगार के अभाव में खेती ही यहां की आबादी की आमदनी का मूल माध्यम है। उपप्रमुख ने बताया कि इस नहर पुल में 2018 से ही विभाग फाटक लगाने की कवायद कर रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे पूर्व जल संसाधन मंत्री और कृषि मंत्री को भी समस्या से अवगत कराया गया था, लेकिन सभी लोग सत्ता के नशा में चूर हैं, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि कर्ज लेकर पटवन किए हैं, उसके बाद फसल लगाया गया है, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण फसल जलने लगा है, ऊपर से नहर में पानी भी नहीं छोड़ा जा रहा है, सरकार के द्वारा अभी तक डीजल अनुदान का राशि भी नहीं दिया गया है, आखिर किसान कहां से खेती कर पाएगा। किसानों ने जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द सुखाड़ घोषित कर हम सभी की भरपाई की जाए। इस संबंध में विभागीय अधिकारी से पक्ष लेने के लिए कई बार संपर्क किया गया, लेकिन बात नहीं हो पाई। इस मौके पर देवेंद्र यादव, सुनारायण यादव, लखन महतो, बबलू यादव, महेंद्र यादव, बजरंग यादव, रंजीत मंडल, रंजीत ठाकुर, विनोद यादव, संजीव यादव, मोहम्मद जुबीर समेत कई किसान मौजूद थे। देखिए इस मौके पर किसान क्या कुछ बता रहे हैं। कि करीब जो है 2000 ईस्वी से जो है फाटक अभी तक नहीं लगा है, और कई बार प्रशासन को, एसडीओ को कहते कहते यहाँ के किसान, हम लोग यहाँ के जनप्रतिनिधि सब लोग मिल करके जो है कई बार जो है हम लोग जो पानी के लिए भी फोन करते हैं तो लोग जो पानी देने के लिए तैयार नहीं होता है, कहता है कि बेरा में है, कभी नरकटिया में है, कभी जो है कहाँ कहाँ की नाम कहता है, आज तक नहीं इसका जे ही आता है देखने के लिए और नहीं इसका जो है विभाग का कोई आदमी आता है। आज क्या समस्या हुई जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर? सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोगों की जो यहाँ फसल जो है जर रहा है, खेत में दरार की समस्या आ गई है, और हम लोगों की पानी की सबसे बड़ी किल्लत है, और ये भारत जो है कृषि प्रधान देश है, उसके बावजूद भी यहाँ की जो है पदाधिकारी और यहाँ की सरकार देखने के लिए जो है कुछ नहीं जो सोच रहे हैं। हम लोग जो है दमकल से खेती करके जो यहाँ जो है खेती किए हैं, कई हजार जो है यहाँ बीघा जो है पानी के लिए जो तरस रहा है। विभागीय अधिकारी से बातचीत हुई है? विभागीय अधिकारी यही कहता है कि हम कई बार जो है पंचायत समिति की बैठक में भी ने आवाज उठाया कि यहाँ जो बिजली की जो है खेत में जो है जो समस्या जो आ रही है, जो पोलिंग करवाया जाए, यहाँ नलकूपन लगाया जाए, लेकिन कोई सुनने के लिए राजी नहीं। अभी देख रहे हैं किसानों द्वारा यहाँ फाटक बनाया गया है, अपने हाथ से जो है वहाँ लगा के बांस बल्ला लगा के फाटक बनाया गया है। ग्रामीणों ने अपना खुद जो सब लोग मिल करके जो करीब हम देख रहे हैं 6 बजे सुबह से लेकर अभी तक जो कड़ी मेहनत के साथ इतना धूप के बावजूद भी जो अभी तक जो है नहीं पूरा कंप्लीट हो पाया है, और यहाँ जो बांस बल्ले के सहारे और चदरा के सहारे पानी रोकने के लिए व्यवस्था किया है, और सरकार के द्वारा जो है बार बार आश्वासन मिलता है, 2018 से कहा जा रहा है कि यहाँ फाटक लगेगा, लेकिन मिलने के लिए जो है अभी तक नहीं लगा। कितना किसान प्रभावित है? 5,000-10,000 है। क्या मूल समस्या क्या है किसानों का? किसान का मूल समस्या सब चीज दे रहे कुछ नहीं, प्रशासन कोई नहीं, कोई नहीं आ रहा है। पानी इधर ऊपर रखता है, कभी देवे नहीं करता है, पानी तो कोशिश सब पड़ जाएगा, कोशिश आपको अधिकार है, कोशिश अपना अधिकार। अच्छी, नहर में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है? छोड़ा जा रहा है।
तो कहा जा रहा है कि पीछे पानी रोक के रखा गया है। उपरे रखा है, नरकटिया से ऊपरे ऊपरे रखा हुआ है। कहियो कहियो हवा में पानी आता है मेरे घर। तो क्या कहेंगे विभागीय अधिकारी के लिए इस पर? विभाग के लिए कानून कार्रवाई करिए, कार्रवाई किया जाए। हाँ। और जो समस्या है किसानों को सुना जाए। सुना जाए कितना किसान इससे प्रभावित है जो पानी नहीं मिल रहा है? 2000 किसान प्रभावित लगभग होंगे। कितना लगभग कितना एकड़ भूमि होगा जो यहाँ पे? 100 एकड़ जमीन के है, एकड़ है इसका प्रभावित है। यहाँ पानी नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा। ये कब से पानी इस नहर में नहीं आ रहा है? अभी तो कभी नहीं करता ये फाटक के लिए इससे पहले भी आप लोग द्वारा मांग किया गया था? कोशिश किए हैं लेकिन आज लगेगा कल लगेगा ऐसे ही कह रहा है। जब से पुला बना है तब से कह रहा है फाटक आज लगेगा। नहीं लगा है? इतने बार नापी जोखी करके गया है लेकिन आज तक फिर कभी इसमें नहीं लगा। विभागीय अधिकारी की जो है इसमें लापरवाही है, बहुत बड़ा लापरवाही। बस सभी ग्रामीण यहाँ पर लगे हुए हैं, अपना हाथ से चदरा दे के बांस दे के किसी तरह से फाटक लगाए हैं। और बार बार कहने पर, लिखित भी देने पर, अभी तक 4 साल हो गया यहाँ से, अभी तक फाटक का कोई नहीं है। वो सरकार द्वारा तो कृषि पे इतना खर्चा किया जा रहा है, बजट आता है, किसानों को खुशहाल करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं ला रही है, फिर आप लोग को इतना समस्या क्यों हो रहा है? किसे में है उतना चीज सर? अच्छा। जमीन पर कुछ नहीं है इस सरकार का, अभी तक हम क्या समझेंगे, यहाँ का जनता क्या समझेंगे? सरकार का कोई सहर जमीन पर काम हुआ है अभी तक? काम नहीं हुआ। तो खेत में जाके यहाँ का 10,000 किसान किस तरह से प्रभावित है आप लोग देखिए। ऊपर से कोई आया है? कोई नहीं आया है आज तक। यहाँ का इतना सुखार है फिर भी सुखार इंद्र देवता भी साथ नहीं दे रहा है, बारिश भी नहीं हो रही है। ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी दोनों का रफा सफा। क्या कहेंगे इस पर? जो किसानों का फसल जो अभी लगा है वो सूख रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सुखार घोषित किया जाए, सुखार घोषित होना चाहिए। हाँ, हाँ, तभी कुछ राहत मिल सकता है। डीजल अनुदान का तो आप लोग का अभी चल रहा है? हाँ, अनुदान किए हैं ऑनलाइन लेकिन अभी तक मिला नहीं, राशि नहीं मिला है, नहीं कुछ नहीं। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहाँ कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं, EMI पर भी यहाँ से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहाँ मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।